कुकिंग विद सरिता में आपका स्वागत है। कीमा सोया आलू की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा सोया आलू, स्वाद अनुसार नमक, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ एक मीडियम साइज का प्याज उन्हें रफली चॉप कर लिया है, एक मीडियम साइज का टमाटर उन्हें भी रफली चॉप कर लिया है, तीन हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, आधा चम्मच जीरा, दो लाल सूखी मिर्च ले लिया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ले लिया है अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच भरकर तेल, मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाला है। तेल को हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इनमें सारे मसाले को ऐड करूंगी। तेल गर्म हो चुका है, मैं उसमें अभी जीरे को ऐड करूंगी, जीरा, लहसुन और सूखी मिर्च, दो सेकंड तक का इन्हें अच्छे से भून लेना है। अब मैं इनमें ऐड करूंगी प्याज, हरी मिर्च, प्याज को हल्का लाल होने तक का इन्हें अच्छी तरह से भुनना है, उसके बाद में इनमें टमाटर को ऐड करूंगी। प्याज हल्के हल्के लाल होने स्टार्ट हो गए हैं। प्याज जो है हल्के हल्के लाल हो चुके हैं, अब मैं इनमें टमाटर को ऐड करूंगी। टमाटर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी मसालों को भूनने के लिए। इन्हें अच्छी तरह से चलाकर इन्हें ढककर मैं करीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। उससे जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएंगे और जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इन्हें अब ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। हम चेक कर लेते हैं, मसाले जो है अच्छी तरह से भुन चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इनमें जो मैंने कीमा लिया था उन्हें इसमें ऐड कर अब मैं इनमें जो मैंने कीमा लिया था उन्हें मैं इसमें ऐड कर करीबन 70% कुक कर लूंगी और 30% जो है वो सब्जियों के साथ इन्हें पका लूंगा। कीमे को ऐड मैंने कीमे को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इन्हें ढककर करीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इनमें सब्जियों को ऐड करूंगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। ये कीमा जो है हमारा 70% कुक हो चुका है
अब हम 30% जो है सब्जियों के साथ इन्हें पका लेंगे। तो मैं अब इनमें ऐड करूंगी आलू को और साथ ही साथ जो सोया लिया था मैंने उन्हें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इन्हें मिक्स कर 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। इन्हें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इन्हें ढककर गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए कीमा आलू सोया की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको एक प्लेट में से सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी एंड खुशबूदार कीमा सोया और आलू की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने आपके साथ मेरी रेसिपी शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।